हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं की इतिहास का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। चैप्टर का नाम है मूल निवासियों का विस्थापन। जैसे कि आपको पता है, हमारे लास्ट वाले जो चैप्टर है, खासकर जो हमारा आधुनिकीकरण के रास्ते वाला चैप्टर है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है वो वाला चैप्टर। उसकी वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। ये मत समझना कि ये मैं सेकंड लास्ट चैप्टर डाल रहा हूँ तो लास्ट वाले की अपलोड नहीं करी। पहले मैंने लास्ट वाला ही करवाया है और ये रही उसकी वीडियो, ठीक है, आधुनिकीकरण के रास्ते। और बाकी जितने भी चैप्टर है सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो का लिंक, यानी प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसकी जो पीडीएफ है ना, ठीक है, ये वीडियो मैं बाद में बना रहा हूँ, बट इसकी जो पीडीएफ का लिंक है वो डायरेक्टली मैं आपके टेलीग्राम पे सेंड कर चुका हूँ, फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट एंड द हिंदी मीडियम स्टूडेंट, यानी दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है जी। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट अभी हम करते हैं हमारी वीडियो पे फोकस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूँ, इस पीडीएफ से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा मूल निवासियों का। एमसीक्यू की मैं अलग से वीडियो डालूंगा, ठीक है। एमसीक्यू की वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगी। हमारा जो भरत खोरवाल वाला चैनल है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको, ओके। ये रहा जी चैनल, भरत खोरवाल वाला चैनल है। यहाँ पर मैं, देखो, मैंने एक मैराथन शुरू करी है। यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 के अपलोड करें, ऐसे ही मैं सारे चैप्टर के अपलोड करूंगा यहाँ पर, ठीक है। डोंट वरी, जब तक आप शायद ये वीडियो वीडियो देख रहे होंगे, तब तक तो आ भी चुके होंगे, ओके जी। चलो जी, तो डायरेक्टली हम अपने पहले क्वेश्चन क्वेश्चन से शुरू कर देते हैं, ओके। और दिमाग में कोई डाउट मत रखना, ये मत सोचना कि सर आप बोलते रहो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे। मेरे को लगता भी नहीं मेरे को प्रूफ देने की ज़रूरत है। और अगर लगे किसी बच्चे को, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, भरत कुमार खोरवाल जिसपे मैं लाइव लेता हूँ ना, कोई भी वीडियो खोल लेना, जो भी एग्जाम का एनालिसिस हो, हर एक क्वेश्चन मैच करवा देता हूँ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ से। ये वाला भी 3-4 दिन पहले जो है बच्चों का, क्लास 11th का पोल साइंस का एग्जाम हुआ था, लाइव लिया था, हर एक क्वेश्चन मैच करवा दिया था, ठीक है। चलो, जिन बच्चों को पता है उनको बताने की जरूरत नहीं है, पर जो नए बच्चे हैं ये बात उनके लिए थी। चलो जी, अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है गोल्ड रश के बारे में, ठीक है, याद रखना गोल्ड रश के बारे। पहली बात तो इस पीडीएफ के अंदर सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं किसी क्वेश्चन के अंदर बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ तो कन्फ्यूज नहीं होना। ये मत समझना कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करने सारे ही हैं, ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं इसमें, 7-8 क्वेश्चन है बट करने सारे ही हैं। तो गोल्ड रश क्या है, गोल्ड रश के बारे में बताना है, और गोल्ड रश से अमेरिका का औद्योगिकरण हुआ, कैसे हुआ वो बताना है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ गोल्ड रश है क्या। अमेरिका की एक जगह है, उत्तरी अमेरिका की एक जगह है जिसका नाम है कैलिफोर्निया। वहाँ पर है ना सोने के कुछ निशान मिले थे और लोग पागल हो गए कि जी सोना है अमेरिका में, सोना है। तो बाहर से, यूरोप से बहुत सारे लोग जो हैं वो अमेरिका आने लग गए सोने की तलाश में। अब वो सोने की तलाश में जब अमेरिका आने लग गए ना, तो इससे ना अमेरिका का फ़ायदा भी हुआ। किसका फ़ायदा हुआ, औद्योगिकरण का फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो उसके लिए क्या हुआ, हुआ कि अमेरिका के अंदर रेलवे वगैरह का भी निर्माण हुआ, चीनी श्रमिकों की भी भर्ती की गई है ना, ताकि रेलवे वगैरह जल्दी से जल्दी बनाई जा सके। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 1870 के अंदर, कनाडा में 1885 के अंदर रेलवे का काम पूरी तरीके से पूरा हो गया। और उसके बाद एक पर्सन था जिसका नाम था, एक अप्रवासी था जिसका नाम था एंड्रयू कार्नेगी। यह ना स्कॉटलैंड से आया था अमेरिका के अंदर, सोना वगैरह ढूंढने के लिए आया था, और उसने अपना उद्योग भी स्थापित किया था। और मैं बता दूँ, ये अमेरिका का पहला करोड़पति था। अमेरिका की अगर मैं बात करूँ, पहला करोड़पति यानी पूरे के पूरे हमारे मॉडर्न वर्ल्ड का पहला हमारा करोड़पति था ये, ठीक है। ये स्कॉटलैंड से था, बट जब अमेरिका आया तब ये एक तरह से बहुत अमीर हो गया था, क्योंकि यहाँ पर अपने आप उद्योग वगैरह शुरू कर दिया था। तो औद्योगिकरण का बहुत फ़ायदा हुआ था, मतलब आप कह सकते हो कि सोना ढूंढने से, फिर रेलवे वगैरह बनी, रेलवे से उद्योगों का फ़ायदा हुआ और उद्योगों से बंदे को फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रेल मतलब सोने ढूंढने की तलाश में जो है औद्योगिकरण भी हुआ है हमारे अमेरिका का। तो यही लिखा है, पुराने राष्ट्र घोंगे की गति से चलते हैं, क्योंकि बाकी यूरोप के जितने भी देश थे वो बन चुके थे पहले ही, बट अमेरिका भी नया नया बना था, और इसकी वजह से यहाँ पर वो बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ रहा था अमेरिका। और ये बात देखी भी है, उत्तरी अमेरिका में उद्योग बहुत अलग कारणों से भी विकसित हुए। पहले तो रेलवे की वजह से है ना, तेज परिवहन वगैरह, एक जगह से दूसरी जगह लोग चाहते थे कि जुड़े, इसकी वजह से मशीनों का उत्पादन भी बहुत तेज़ी से हो रहा था, चाहे वो सोना ढूंढने की मशीन हो या और भी, चाहे वो किसानी की मशीनें हो, खेती की मशीनें हो। तो इससे भी कहीं ना कहीं औद्योगिक विकास हो रहा था। तो मतलब गोल्ड रश के होने की वजह से, गोल्ड क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब यूरोप से बहुत सारे लोग आएंगे, उनको खाना चाहिए, खाने के लिए उत्पादन चाहिए, उत्पादन के लिए कृषि करनी पड़ेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, वो सर्कल में घूमने लगी, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो गोल्ड रश से, जो सोने की तलाश करने आए थे ना लोग कैलिफोर्निया में, उत्तरी अमेरिका के अंदर, उससे पूरे के पूरे हमारे अमेरिका को फ़ायदा होने लग गया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, दोनों ही औद्योगिक कस्बे, दोनों में ही औद्योगिक कस्बों का विकास हुआ और कारखाने बढ़े। 1860 के दशक में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एक अविकसित अर्थव्यवस्था थी, बट 1890 के अंदर है ना, ये विश्व की अग्रणी औद्योगिक शक्ति बन गया। मतलब देख लो, 30 सालों के अंदर ही पूरा डायग्राम चेंज हो गया हमारे अमेरिका का। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, 1800, ये है ना, ये एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, ताकि बच्चों का दिमाग ही घूम जाए, ठीक है। चलो,
वीडियो बनाने का मोटिव ये भी होता है ताकि मैं ये भी बता दूं कि ये क्वेश्चन किस अलग तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है? नहीं ठीक है ना, ठीक है, नहीं बोल दिया, ये राजस्थानी आ गई बीच में, बट ठीक है ना। तो ये अगर औद्योगिकरण का आपसे पूछे ना, औद्योगिकरण का अमेरिका के औद्योगिकरण के कारण बताओ, तो गोल्ड रश का कारण देना है आपको, या गोल्ड रश से औद्योगिकरण को क्या फ़ायदा हो, फिर वो लिखना है। अब ये पढ़ते हैं कि 1868 में एक मानव विज्ञानी थे जिसका नाम था WE H स्टेनर, ठीक है? उन्होंने एक बुक लिखी थी, या आप कह सकते हो एक व्याख्यान लिखा था, लेख लिखा था, जिसका शीर्षक था ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, ठीक है? लोग उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए थे। अब ये था क्या, मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली आपको नाम से पता चल रहा है द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, यानी ऑस्ट्रेलिया जो है वो साइलेंस रहा। किस चीज़ के लिए साइलेंस रहा पता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ना, पहले बहुत सारे आदिवासी लोग रहते थे। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पे आते हैं, ठीक है? चैप्टर नहीं करा होता उन्होंने, तो इसके लिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ना, पहले बहुत सारी आदिवासी लोग रहा करते थे। उसके बाद बहुत सारे यूरोपीय लोग आकर ऑस्ट्रेलिया में बसने लगे, और यहाँ पर जो आदिवासी लोग हैं, या मैं कहूँ जो ट्राइब्स हैं, जिनको इंग्लिश में अब नॉर्मल कहा जाता था, अब ओरिजिन्स कहा जाता था, उनको हटाना शुरू कर दिया, उनके साथ गलत करना शुरू किया, ठीक है? और उनके उनको अधिकार वगैरह भी नहीं दिए। बाद में, बहुत बाद में जाकर उनको अधिकार मिले, और अधिकार जो है वो मिले, कौन कौन से अधिकार मिले, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो पहले तो ये बताना है कि जो इसने ये बुक लिखी थी, इस बुक में उसने क्या क्या चीज़ें बताई थी, और लोग जो थे उससे प्रभावित क्यों थे। पहली बात मैं बता दूं, ऐसी ही बुकों के कारण क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर चेंज आया, और ऑस्ट्रेलिया में जो हमारे आदिवासी लोग रहते थे ना पहले से ही, है ना, मूल निवासी जिसको कहा जाता है, उनको अधिकार दिए गए। अब क्या क्या अधिकार दिए गए, वही मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? सबसे पहले तो, अब है ना, पहले तो बात ही नहीं होती थी हमारे जो मूल निवासी, उनके बारे में बात ही नहीं होती थी, बट सबसे पहले बात करना शुरू किया इसी ने, जिसका नाम था WE H हमारा जो स्टेनर, स्टेनर ही नाम था ना हमारे, हाँ जी स्टेनर। इन्होंने सबसे पहले लोगों को बताया, ठीक है? उन्होंने बेसिकली एक चैप्टर वगैरह, एक शीर्ष लिखा, जिसका नाम था आदिवासी के बारे में इतिहासकारों की चुप्पी। यानी जो आदि जो बेसिकली उसने ये बताया कि जो हमारे आदिवासी लोग रहते थे ना यहाँ पर, हमारे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो अब ओरिजिन कहा जाता था, उनके साथ बहुत बुरा हुआ, और कोई इस पर कभी बात नहीं करता। उसके बाद हेनरी रॉनल्ड्स ने एक बुक लिखी, ठीक है? उसने लिखा, हम क्यों हमें क्यों नहीं बताया गया, ऐसा क्यों है? मतलब ये बताया गया कि हमने है ना बहुत, क्योंकि वो भी एक तरह का यूरोपीय ही था, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो भी मूल निवासी नहीं था, तो उसने बताया कि हमें कभी पता ही नहीं कि हमारे एंसेस्टर लोगों ने यहाँ के मूल निवासियों के साथ इतना गलत किया था, ठीक है? और उसने कैप्टन कुक की भी निंदा करी। कैप्टन कुक ही माना जाता है कि सबसे पहले हवाई और ऑस्ट्रेलिया वगैरह की खोज वगैरह करी थी उसने, ठीक है? तो यहाँ से उसने शुरुआत करना शुरू किया कि हमें बहुत सारी बातें हमारे से छुपाई गई, ओके? अब थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लग गया था, अब है ना जो मूल निवासी है उनकी स्थिति चेंज होने लग गई थी। अब क्या चेंज होने लग गई थी वही बताता हूँ। पहले बात तो 1974 से पहले ना कोई भी बंदा ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो सफ़ेद अनाव ना वो नहीं घुस सकता था। वाइट ऑस्ट्रेलिया की नीति अपनाते थे पहले वो, तो उसको समाप्त कर दिया था 1974 में। यानी मैं नहीं जा सकता ब्राउन, है ना, और आप भी नहीं जा सकते, आप भी ब्राउन इंडिया से नहीं जा सकता, कोई भी बंदा अफ्रीका से नहीं जा सकता, है ना? ये नीतियाँ बना रखी थी उन्होंने, और मूल निवासियों के साथ इसी बेस पे वो भेदभाव करते थे। बट उसके बाद क्या हुआ, 1974 में उन्होंने ये नीति छोड़ी, और बहुसंस्कृतवाद को अपना लिया उन्होंने, और सब लोगों को आने दिया, अप्रवासियों को भी आने दिया, सारी संस्कृतियों का सम्मान किया गया। 1992 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के जो उच्च न्यायालय वगैरह थे ना, उच्च न्यायालय वगैरह ने घोषणा की कि टेरा न्यूलिस, टेरा न्यूलिस का मतलब होता है किसी की भी भूमि ना होना, ये लग दो, किसी की भूमि ना होना, है ना? एक है ना वीडियो बनाने का ये भी फायदा है, टेरा न्यूलिस उसको कहा जाता है जो किसी की भी भूमि ना हो, ठीक है? नो बडीज लैंड कहा जाता है टेरा न्यूलिस को। अच्छी बात है ना कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि अगर जो ऑब्वियसली बात है छोटी छोटी मात्रा में मिस्टेक हो जाती है, अब मैं ये आपको बता रहा हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो टेरा न्यूलिस का मतलब होता है जो भूमि किसी की भी ना हो उसको टेरा न्यूलिस कहते हैं। तो 1992 में है ना ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय ने बोला कि आज से ना ऑस्ट्रेलिया को कोई भी टेरा न्यूलिस नहीं कहेगा, क्योंकि ये जमीन है ना, ऐसा नहीं है कि टेरा न्यूलिस थी, टेरा न्यूलिस का मतलब होता है किसी की लैंड नहीं थी, नो बडीज लैंड, बट ये लैंड थी, ये लैंड उन मूल निवासियों की थी जिनसे हमने वो लैंड छीनी है। तो आप ये कहना बंद करो, ये अपमान होगा हमारे मूल निवासियों का, ठीक है? और 1970 से पहले जो भूमि मूल निवासियों की, ये वही बात बताइए, 1970 से पहले से सब कुछ मूल निवासियों का था, तो इसको टेरा न्यूलिस मत बोलो। 1995 में जो आदिवासी थे, जो टोरेस स्ट्रैंड ऑल्ट, जो आइसलैंडर, ये मैं बताऊंगा क्या होते हैं, और उनके परिवार से अलग करने की राष्ट्रीय जांच। अच्छा मैं बता दूं, 1995 में क्या हुआ, जो आदिवासी लोग हैं ना, जिनको टॉरेस, ये टॉरेस स्टेट आइलैंडर के लोग थे, इनको अपने माँ बाप से अलग कर दिया, क्योंकि ये उनसे थोड़े से अलग दिखते थे, और इस पे
फिर गोरे और काले जो थे ना उनको अलग कर दिया है ना, पता है ना वो वाइट लोगों से को ज़्यादा पसंद करते थे ऑस्ट्रेलिया के जो बाहर से लोग आए थे, तो इसी को लेकर जांच वगैरह भी बिठाई गई, राष्ट्रीय जांच वगैरह भी बिठाई गई। और श्वेत, और ये भी अच्छी चीज़ है ना कि जो भेदभाव हुआ था उनकी दोबारा से जाँच हो रही है, और श्वेत और रंगीन जो लोग थे, रंगीन का मतलब होता है जो कलर्ड लोग हैं हमारे जैसे जो गोरे नहीं है, है ना, उन दोनों के बीच में जो अलग अलग किया जाता था ना, उनको दोबारा से उसके लिए माफ़ी मांगी कि हमने आपके साथ बहुत बुरा किया, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। उसी के लिए एक सॉरी डे भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय क्षमा दिवस भी मनाया जाता है, जो कि 26 मई हमेशा हर साल मनाया जाता है। ठीक है, जो खोए हुए बच्चे हैं उनको, उनसे माफ़ी मांगने के लिए जिनके साथ बुरा हुआ था या जिनको उनके माँ बाप से अलग कर दिया गया था क्योंकि वो थोड़ा अलग दिखते थे, तो उसी को लेकर जो है ये क्षमा दिवस मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है कि 1920 के दशक में उत्तरी अमेरिका में परिवर्तन की हवाओं की व्याख्या कीजिए, उत्तरी मूल निवासियों के अधिकार एवं हितों के लिए क्या कदम उठाए गए वो बताइए। ये तो ऊपर हमने देखा ऑस्ट्रेलिया का, देखो ऑस्ट्रेलिया का अलग है और अमेरिका का अलग है, एग्जाम में गलती मत करना। ये जो मैंने ऊपर आपको बताया ना ऑस्ट्रेलिया का केस बताया, ठीक है, ये जो हमारे जो द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस है ना, ये पूरी स्टोरी जो है वो पूरे ऑस्ट्रेलिया की, अब मैं बताऊंगा अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की खासकर। तो उत्तरी अमेरिका में भी कुछ बदलाव हुए थे, इसको इंडियन कर लेना। अब आप बोलोगे सर भारतीय लिखा है तो इंडियन, नहीं दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर मैं इंडियन लिखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि है ना बहुत सारे नीचे की तरफ मैंने इंडियन ही लिखा होगा बट यहाँ पर मैंने गलती से भारतीय कर दिया, तो यहाँ पर इंडियन क्यों लिखना है आपको, भारतीय क्यों नहीं लिखना, काटना नहीं है इसको, पहले काट या हटा देता हूँ, है ना। इंडियन क्यों लिखना है, क्योंकि एक है ना ट्राइब होती थी अमेरिका के अंदर जिसको रेड इंडियंस बोला जाता था, तो उसके नाम पे है ये, तो इसलिए इंडियंस ही लिखना पड़ेगा आपको। तो अब है ना पहले उनको भी अमेरिका के अंदर भी जो मूल निवासी थे ना उनको अधिकार नहीं दिए गए, बट बाद में जो है वो अधिकार दिए गए। क्या क्या अधिकार दिए गए, पहले तो 1934 के अंदर एक इंडियन पुनर्गठन अधिनियम आया जिसके तहत है ना ये बोला गया कि अब जो हमारे मूल निवासी है उनको भी ज़मीन खरीदने का अधिकार दिया जाएगा। पहले जो लोग थे उनको ज़मीन खरीदने का अधिकार भी नहीं था। यस और नो? चलो जी नेक्स्ट आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पे, कि मूल निवासियों की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया गया। पहले है ना उनको थोड़ा भेदभाव किया जाता था है ना, और अब है ना पूरा का पूरा, ये एक बात और बता दूं, उनको है ना कुछ अधिकार दिए जाते थे, ठीक है, मुख्य धारा से मिलाने के लिए बाद में प्रयत्न वगैरह किए गए, और बोला गया कि सरकार है ना जो मूल निवासी है उनके किसी भी काम को नहीं छेड़ेगी। पहले उनके रीति रिवाजों में इंटरफेयर वगैरह किया जाता था, फिर अमेरिका अमेरिका की सरकार ने है ना उन्होंने बोला कि हम मूल निवासियों की जो मतलब मूल निवासियों के जो वो है ना मैं उस पर बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे हम सरकार ने कहा। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। 1950 और 1960 के दशक में अमेरिका सरकार ने मूल निवासियों को दिए गए सभी विशेष प्रावधानों को हटाने के बारे में सोचा, और सरकार ने आशा की कि मूल निवासी मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे अर्थात यूरोपीय संस्कृति को अपना लेंगे, लेकिन साले लोगों ने इनका विरोध किया, कहते कि ऐसा नहीं है, हम अलग हैं, आप अलग हो, तो इसीलिए देखो यहाँ मैंने इंडियंस लिखा है। तो 1954 ईसा पूर्व में क्या हुआ, उन्होंने इंडियंस अधिकारों की घोषणा तैयार की, इंडियन अधिकारों के मतलब कि हमारे क्या क्या अधिकार होंगे, और बोला कि मूल निवासियों के अधिकार ना छीने जाए, ठीक है, और उनको आरक्षण वगैरह भी देना होगा, और जैसे हैं वैसे होगा, कोई भी सरकार उनके जो परंपरा है उनमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, तो पहले बहुत हस्तक्षेप करती थी, अब तो पहला पॉइंट ही क्या था कि उनको ज़मीन खरीदने का अधिकार दिया गया, दूसरी बात उनको आरक्षण वगैरह दिया गया, और बोला गया कि सरकार उनकी परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तीसरा, 1982 में संविधान अधिनियम बनाया गया, और इसके तहत क्या हुआ कि जो हमारे मूल निवासी थे ना है ना ये उनको भी है ना नागरिकता दी गई। देखो यही बात लिखी होगी, 1969 में कनाडा सरकार ने कनाडा के मूल निवासियों को आदिवासी अधिकार को मान्यता देने से पहले इनकार कर दिया था कनाडा की। यहाँ पर अमेरिका की बात हो रही है, उत्तरी अमेरिका आपको, अच्छा एक बात और है, अब मैं बोलूँगा शायद ये भी ना पता हो आपको, उत्तरी अमेरिका के अंदर कनाडा भी आता है और यूएसए भी आता है, समझ रहे हो, तो यहाँ पर कनाडा की अलग सरकार थी और यूएसए की अलग सरकार थी। आई होप ये बात आपको पता हो, बेसिक नॉलेज है ना ये, बट कोई बात नहीं, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं किस लिए बैठा हूँ, है ना। 1969 में कि जो कनाडा की सरकार है उसने अमेरिका की जो यूएसए की जो मेल सरकार थी उसने तो अधिकार देना शुरू कर दिए थे, बट 1969 में जो कनाडा की सरकार थी उसने मूल निवासियों को पहले तो मना कर दिया अधिकार नहीं देंगे। सरकार के इस फैसले से मूल निवासियों ने कड़ा विरोध किया, बहस वगैरह हुई, उसके बाद विवश होकर 1982 में संविधान के अधिनियम पारित किए गए, ये वही वाले ऊपर वाले ही अधिनियम है, अधिनियम वगैरह पारित किए गए 1982 के अंदर, 1982 के अंदर उनको अधिनियम पारित करके उनको भी एक तरह से अधिकार वगैरह दिए गए, है ना। और वर्तमान स्थिति आज जो है, जो हमारे अमेरिका के मूल निवासी है उनकी स्थिति थोड़ी सी अच्छी है, ठीक है, और अब है ना वो डिमांड उठा रहे हैं, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होती है वो आवाज़ उठाते हैं, पहले नहीं उठाते थे। ओके,
नेक्स्ट है कि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के इतिहास, जीवन शैली और भाषा और मान्यता के बारे में बताइए। चलो अब मैं बताने वाला हूँ अमेरिका के अंदर, ये वाला क्वेश्चन है ना ऑस्ट्रेलिया का भी आएगा। ओके आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैं बता देता हूँ। ये जो हमने देखा ना अमेरिका के, ये एक जगह है अमेरिका, यूरोपीय लोग है ना अमेरिका के अंदर आए थे और यहाँ पर है ना जो मूल निवासी थे ना जो यहाँ पर बहुत पहले से रहते थे वो तो पत्ते पहनते थे, एक तरह से आदिवासी लोग थे वो। तो आज जो आप अमेरिका देखते हो ना डेवलप कंट्री, एक्चुअल में वो एक टाइम पर डेवलप नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे आदिवासी लोग वगैरह रहते थे, ठीक है, और बाद में फिर अमेरिका के, यूरोप के लोग यहाँ पर बसते गए बसते गए बसते गए, और यहाँ के जो मूल निवासी थे ना उनको उनको साथ शोषण वगैरह किया, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आज जो अमेरिका है ना वो एक, जैसे जैसे हम इंडिया के लोगों को इंडियन कहते हैं बट अमेरिका के लोगों को अमेरिकन नहीं कह सकते, वो यूरोपियन ही है, समझ रहे हो, वो यूरोप से आके अमेरिका में बसे मैक्सिमम लोग, ठीक है। चलो अब वो ये है कि ये जो मूल निवासी हैं जो यहाँ पर पहले से रहते थे यूरोपीय के आने से पहले, उनके बारे में बताना है आपको, ठीक है। तो पहले उत्तरी, अच्छा ये स्टार्ट कैसे हुआ, पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि जो मूल निवासी है वो हमारे अमेरिका के अंदर कैसे बसे। तो इसका माना जाता है कि ना एक टाइम पर आज से ऑलमोस्ट 30,000 साल पहले एशिया से जो बोरिंग जल मरुमध्य, जलड़ मरुमध्य जिसको कहते हैं, को पार करके, मतलब आप ये बता सकते हो कि जो हमारा उत्तरी अमेरिका था उससे जो है वो एरिया वगैरह पार करके हमारे भारत के एरिया से जो है वो पार करके उत्तरी अमेरिका पहुंचे थे बहुत सारे लोग, और फिर वहीं के होने रह गए, ठीक है। हम हमें अमेरिका में जो सबसे पुरानी चीज़ मिलती है ना वो 11,000 वर्ष पुरानी है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि माना जाता है कि बहुत सारे लोग जो है 30,000, ओके मैं समझा देता हूँ दोबारा से, आज से 30,000 साल पहले जो है माना जाता है बहुत सारे लोग एशिया से अमेरिका की तरफ गए थे, अमेरिका में उस टाइम कोई नहीं, लोग नहीं रहते थे, फिर वो यहीं पर रहने लग गए, ठीक है। और हमें पता भी चलता है, हमें है ना सबसे पुरानी चीज़ अमेरिका में जो मिलती है वो 11,000 साल पुरानी है, और 5,000 साल पहले, 5,000 साल पहले ना यहाँ पर थोड़ा एटमोसफेयर बढ़िया होने लग गया तो फिर वो यहीं पर रहने लग गए, ठीक है। इसलिए आप देखो उनको, उनकी ट्राइब को है ना अमेरिका में आज भी रेड इंडियंस बोला जाता है, इंडियंस, इंडियंस कहाँ से, माना जाता है कि वो है ना इंडिया से ही आए हुए, माना जाता है ये, कंफर्म नहीं है ये, ठीक है। चलो मतलब ये कंफर्म नहीं है ये कि इंडिया से ही आए हैं, चाइना से भी हो सकते हैं, है ना, क्योंकि उस टाइम तो पूरा ये एशिया हुआ करता था, है ना। तो यह लोग नदी घाटी के किनारे गांव के में समूह बनाकर रहते थे, मछलियाँ वगैरह मांस वगैरह खाते थे, सब्जी ज़्यादातर मक्के वगैरह की खेती वगैरह करते थे, अक्सर मांस की तलाश में यात्रा वगैरह, और बाइसन, बाइसन एक जानवर होता है ना, बड़े बड़े दूर दूर तक घूमने जाते थे उनकी तलाश में, ठीक है। ओके ये हमें समझ आ गया। घोड़े की सवारी करना भी इन्होंने शुरू कर दिया था कुछ टाइम बाद, ये थे मूल निवासी। और इन्होंने, ये केवल उतने ही जानवर मारते थे जितने को उनका भोजन हो जाए, मतलब जरूरत से ज़्यादा जानवरों को नहीं मारते थे, पर्यावरण से बड़ा प्यार करते थे, ठीक है। उन्होंने व्यापक कृषि का प्रयास कभी नहीं किया, उनका वही कहना था कि है ना आप है ना ज़्यादा मत करो, जितने ज़रूरत है उतना ही उगाओ, उसमें ये बिलीव करते थे, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ यूरोपीय की इनसे इसलिए नहीं बनती थी, यूरोपीय लोग आकर क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा खेती करने में लग गए और ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों को मारने के लिए लग गए, उनकी खाल जो है वो यूरोप में वापस ले जाते थे, और यही बात जो है यहाँ के मूल निवासी को पसंद नहीं आई, और इसीलिए अमेरिका के जो मूल निवासी है और जो यूरोप से आए लोग हैं ना इनके बीच में धप्पड़ होने लग गई। इनकी परंपरा की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि औपचारिक गठबंधन और मित्रता बनाने के लिए उपहारों का लेन देन करते थे, वो कुछ चीज़ को खरीदते नहीं थे, एक्सचेंज करते रहते थे। बोली बहुत सारी थी, लिखी कुछ नहीं जाती थी, है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, राजस्थानी ये बोली जाती है सिर्फ, बोलने वाली भाषा, ये लिखी नहीं जाती। तो ऐसी बहुत सारी भाषा थी हमारे, कहाँ पर, हमारे अमेरिका के अंदर जो मूल निवासी है। उनका मानना था कि समय चक्र में चलता है और प्रत्येक जनजाति के पास उनकी उत्पत्ति और उनके पहले के इतिहास के बारे में विवरण होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता रहता है। ये बेसिकली ये बोलते हैं कि ना एक तरह से आप देखोगे ना इनका, इनकी जो सोच है मूल निवासियों की ना वो हमारी जैसी है, इंडियन कल्चर। हम भी ये मानते हैं कि बंदा मरता है फिर पैदा होता है फिर दोबारा मरता है फिर पैदा होता है फिर दोबारा, एक चक्र होता है, हम ये मानते हैं। और हम ये, हम पर्यावरण को भी मानते हैं, हम भी मानते हैं कि जी पर्यावरण को इतना नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, पेड़ पौधों की पूजा करना, ये वाला सिस्टम है। नेक्स्ट है कि वो कुछ शिल्पकार वगैरह भी थे, सुंदर वस्त्र वगैरह बुनते थे वो, ओके। और जमीन पर वह जमीन को पढ़ सकते थे, इसका मतलब क्या है पता है, इसका मतलब है जलवायु वगैरह को बहुत समझते थे कि अब बारिश आने वाली है, अब ये होने वाला, अब ये होने वाला, ठीक है। और साक्षर लोग लिखित पाठ वगैरह पढ़ते थे, मतलब बेसिकली वहाँ पर जैसे पढ़े लिखे लोग भी थे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, उनको पढ़ना उनकी तरह समझ सकते थे, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि वो जलवायु को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते थे। बड़ा सिंपल है ना, हमने पढ़ा कि थोड़े से
ये लोग जो हैं एशिया से आए थे, हमें सबसे पुरानी चीज़ हमारे अमेरिका के अंदर 11,000 साल पुरानी मिलती है, और यहाँ पर जलवायु जब सही हो गई यहीं पर आने लग गए, कबीले के अंदर रहते थे, मक्का मांस मच्छी वगैरह खाते थे और जानवरों की तलाश में घूमते थे, है ना, एक जगह से दूसरी जगह, और घुड़सवारी वगैरह भी इन्होंने शुरू कर दिया था। और उसके बाद ये जितना इनको लगता था, जितना जितना चीज़ चाहिए थी उतना ही मारते थे जानवरों को, उतनी ही खेती करते थे, ठीक है, चीज़ें लेन देन में विश्वास रखते थे। ओके, 17वीं शताब्दी में उत्तरी मूल निवासी उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी यूरोपीय वासियों से कैसा व्यवहार करते थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बता, जब पहली बार जो 17वीं शताब्दी के अंदर 2 महीने, मतलब 2 महीने पूरा का पूरा यूरोपीय जो लोग थे ना, क्योंकि पहले नाव होती थी, यूरोपीय नाग ने 2 महीने तक नाव चला कर वो पहुंचे अमेरिका। जब वो अमेरिका पहुंचे ना, तो उन्होंने देखकर चौंक गए, उन्होंने कहा यार ये कितने बढ़िया लोग हैं, क्योंकि उस टाइम जब वो यूरोपीय लोग पहुंचे थे ना, तो अमेरिका के लोग बड़े मिलनसार थे, जो मूल निवासी थे ना उनसे बड़े मिलनसार थे, ठीक है, वो उनकी शिकार में मदद वगैरह करते थे, सारी बातचीत वगैरह करते थे, है ना। और ये लिखा है दक्षिणी अमेरिका में जो स्पेनिश के विपरीत जो सोने के लिए आए थे, और ये साहसी लोग मछली और फर का व्यापार करने आए थे। एक्चुअली है ना, मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका एक तो ये उत्तरी अमेरिका, एक दक्षिणी अमेरिका, जो यूरोपीय लोग हैं ना उसमें से बहुत सारे दक्षिणी अमेरिका भी गए थे, बट वो गए थे सोना ढूंढने के लिए, ठीक है, बट जो लोग उत्तरी अमेरिका गए थे ना, वो गए थे वहाँ पर जानवरों की खाल वगैरह के लिए और मछली वगैरह पकड़ने के लिए, ताकि उसको जो दोबारा से ऑस्ट्रेलिया अमेरिका लेके यूरोप लेके जाया जा सके, ठीक है। तो यही बात लिखी हुई है कि मूल निवासी जो है वो शिकार करने में मदद करते थे, मतलब बहुत ही अच्छा उनका व्यवहार था, वो चीज़ें आदान प्रदान वगैरह करते थे, उसमें बिलीव रखते थे, वो एक जगह मिसिसिपी नदी के किनारे जो है वो जनजातियाँ वगैरह इकट्ठा वगैरह भी हुआ करती थी, वो खाने की चीज़ों का आदान प्रदान करना ज़्यादा पसंद करते थे, बर्तन वगैरह इनके होते थे, है ना, लोहे के बर्तन होते थे, कम्बल वगैरह होती थी इनके पास, मिट्टी के बर्तन वगैरह होते थे, ठीक है, बंदूक वगैरह उनको नहीं होती थी, ठीक है, बंदूक वगैरह, और ये बंदूक जो जानवरों को मारने के लिए धनुष वगैरह तीर वगैरह को भी, अच्छा ये बता रखा है कि जो स्थानीय लोग हैं ना वो अपनी चीज़ें देते थे मूल निवासियों को, और मूल निवासियों से चीज़ें ले, ओ सॉरी, अपनी चीज़ें मूल निवासी जो है अपनी चीज़ें यूरोपीय लोगों को देते थे, और यूरोपीय लोग जो हैं वो क्या देते थे मूल निवासियों को, शराब देते थे, बंदूकें देते थे, जानवरों को मारने के लिए धनुष वगैरह तीर वगैरह देते थे, स्थानीय लोग के बदले, स्थानीय उत्पादों के बदले, यानी जो स्थानीय स्थानीय उत्पाद कैसे हो गए, मछली है ना, और जानवरों को जो फर होते हैं, जानवरों की जो स्किन होती है, ये जो है वो देते थे यूरोपीय लोगों को, और यूरोपीय लोग इसकी जगह उनको क्या देते थे, शराब देते थे, ये सारी की सारी चीज़ें देते थे। अच्छा देखो, शराब की लत लगा दी जो मूल निवासी है ना उनको, यूरोपीय लोगों ने शराब की लत लगा दी, और जो मूल निवासी है उन्होंने पता है यूरोपीय लोगों को किसकी लत लगा दी, तंबाकू की, यही बात लिखी हुई है, ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं कि 19वीं शताब्दी में अमेरिका के जो भूदृश्य के परिवर्तन के कारण बताओ, यानी अमेरिका के अंदर है ना एरिया छोटा बड़ा हो रहा था, अमेरिका जो है 19वीं शताब्दी में बहुत बदल रहा था, इसका क्या रीज़न है? तो अमेरिका में ना बहुत सारे लोग जो है वो आने लग गए थे, ठीक है, अब क्यों क्यों आने लग गए थे, पहली बात तो है ना, पहले क्या होता था कि जो छोटे बेटे हैं ना उनको ज़मीन नहीं मिलती थी, अमेरिका जो हमारा यूरोप है ना वहाँ पर बहुत सारी अलग अलग कंट्री थी, जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, तो वहाँ पर है ना उनके छोटे बेटे को ज़मीन नहीं मिलती थी, अब वो अमेरिका आके बसने लग गए, यही बात लिखी है, पिता के संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता था, तो वो है ना अमेरिका आके रहने लग गए, क्योंकि सस्ती ज़मीन मिली उनको वहाँ पर, जर्मनी स्वीडन इटली वगैरह में जो लोग हैं उनकी भी, जो छोटे छोटे जो गरीब लोग थे ना यहाँ के, जर्मनी स्वीडन इटली के, इनकी ज़मीनें बड़े बड़े जो किसान थे उन्होंने छीन ली थी, तो ये ज़मीन की तलाश में ये भी खेती वगैरह करना चाहते थे, तो इनको ज़मीन चाहिए थी, सस्ती ज़मीन चाहिए थी, इसलिए ये भी क्या आ गए, अमेरिका में आ गए, इसकी वजह से मैं भी अमेरिका चेंज हुआ थोड़ा सा, पोलैंड के लोग जो थे पेरी प्रेरी घास के मैदानों में काम करना चाहते थे, वो चाहते थे कि बड़े बड़े जो है घास के मैदानों पर काम करें, और वैसे ही घास के मैदान कहाँ पर थे, हमारे अमेरिका में, तो बेसिकली 19वीं शताब्दी में अमेरिका बहुत चेंज हुआ, चेंज कैसे हुआ, पहला ब्रिटेन फ्रांस के लोग जो हैं उनके वहाँ पर छोटे लोग छोटे बच्चों को जो है, जो सबसे छोटा लड़का होता था उसको पिता की संपत्ति नहीं मिलती थी, तो पैसे के लिए संपत्ति के लिए वो आ गए अमेरिका। दूसरा है बहुत सारे लोग जिनकी ज़मीनें जो है वो बड़े किसानों ने ले ली थी यूरोप के अंदर, वो भी आ गए अमेरिका। तीसरा है जो पोलैंड के भी जो प्रेरी घास के लोग के मैदानों में काम करना चाहते थे ना लोग, है ना, जो सस्ती ज़मीनें चाहते थे वो भी आ गए अमेरिका, इसी वजह से अमेरिका चेंज हुआ, ठीक है, तो यही बात लिखी हुई है। अच्छा एक और बात, जब ये यूरोपीय लोग जब अमेरिका के अंदर आए थे ना, तो इन्होंने क्या किया, बड़े बड़े खेत वगैरह अपने बनाना शुरू कर दिए, है ना, बड़ा बड़ा एरिया वगैरह लेना शुरू कर दिया,
और बड़ा बड़ा एरिया जो है जब वो उनको मिल जाता था तो उसकी बाड़ेबंदी कर देते थे, कटीली तारे वगैरह से घेर लेते थे अपने खेत को, ताकि जो मूल निवासी हैं कोई भी बंदा उनके खेत में ना आ सके। ठीक है, वो ये है कि भेड़ियों से और पहाड़ी शेरों और जंगली जानवरों से बचाने के लिए उसको शिकार वगैरह भी करना होता था, शिकार वगैरह भी किया उन्होंने और बेसिकली तारेबंदी भी कर दी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में गुलामी की शुरुआत और समाप्ति के लिए जिम्मेदार कारणों को बताइए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बड़ा सिंपल है। अभी हमने देखा यूरोपीय लोग जो है वो अमेरिका के अंदर आने लग गए थे और अपनी ज़मीनें वगैरह लेने लग गए थे, खेती वगैरह के लिए बड़े बड़े खेत तो बना लिए इन्होंने, बट ये यहाँ पर खेती करना चाहते नहीं थे क्योंकि यहाँ की जलवायु जो है वो यूरोप के अनुकूल नहीं थी, तो वो यूरोप से लोग ला नहीं सकते थे यहाँ पर। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वो अफ्रीका जाते थे, अफ्रीका से लोगों को खरीदते थे जो गुलाम बनाते थे और यहाँ पर अमेरिका लाकर काम करवाते थे। अच्छा, आप बोलोगे सर मूल निवासी से क्यों नहीं करवा लेते थे, क्योंकि मूल निवासी तो यहीं रहते थे। तो पहली बात तो ये है कि ये है ना, ज़मीन ज़्यादातर उस जगह पर लेते थे जहाँ पर मूल निवासी नहीं होते थे, क्योंकि मूल निवासी से अगर लड़ाइयाँ होंगी तो इसलिए। और मूल निवासी को अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं ना, तो उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती थी, बहुत बड़े लेवल पर मरना शुरू हो जाते थे वो। अब इसी को मद्देनज़र रखते हुए क्या किया कि जो हमारे यूरोपीय लोग हैं वो पहले गए अफ्रीका, वो जो लोग हैं उनको खरीदा, फिर यहाँ पर अमेरिका लेकर आ गए। इसलिए आज देखते हो अमेरिका में आज काले लोग भी हैं। काले लोग ना होते अगर ये स्लेव बनाकर ना लेकर आते तो। ठीक है जी, तो यही बात लिखी हुई है और इसी की वजह से जो है वो आपका स्लेव वाला सिस्टम शुरू हुआ। बट बाद में जाके इन लोगों के साथ बहुत बुरा होने लगा, बच्चों तक को गुलाम बनाया जाने लगा। फिर लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया कि ऐसे तो ये तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बाद में जाकर, बहुत बाद में जाकर जो है इसको बंद किया गया और काले और गोरों को दोनों को पहले अलगाववाद किया जाता था, भेदभाव वगैरह किया जाता था, तो उसको भी ख़त्म किया। जो गुलाम बनाया जाता था कालों को, सिर्फ जो गैर जो गोरे लोग होते थे, जो काले होते थे बेसिक, जो गैर गोरे होते थे, गैर गोरे मतलब जो काले अश्वेत लोग होते थे, काले लोग उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उसको ख़त्म किया। और ये स्लेव ट्रेड भी जो होता था ना, है ना, दास प्रथा थी, उसको भी ख़त्म किया। और इसमें दास प्रथा को ख़त्म करने में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका अब्राहम लिंकन ने निभाई थी। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, अमेरिका के मूल निवासियों को अपनी भूमि से बाहर जाने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। यहाँ पर बात हो रही है, हाँ, मूल निवासियों की बात हो रही है यहाँ पर, ये लिखा भी है। अमेरिका के मूल निवासियों को ना उनके एरिया से खदेड़ दिया, उनको दूसरी जगह पर जाने के लिए बोला। ये तो आपको पता ही है क्यों बोला, क्योंकि मैं आपको बता दूँ बहुत सारे जो यूरोपीय लोग हैं ना वो अमेरिका आकर बसने लगे थे और वो अपनी ज़मीनें लेने लग गए थे, और इसकी वजह से जो यहाँ पर मूल निवासी रहते थे ना उनको बोला कि आप ये जगह खाली करो, और इनको दूसरी दूसरी जगह से खिसका खिसका कर अलग अलग जगह पर, जैसे कि मान लो यहाँ पर एक मूल निवासी का ग्रुप रहता है, यहाँ एक मूल निवासी का ग्रुप रहता है, यूरोपीय आ गए यहाँ पर बसना शुरू हो गए। अब है ना, इनको बोला गया कि आप इधर उधर हो जाओ, तो ऐसे खिसकते 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 यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर पहले से ही मूल निवासी रहते थे दूसरे ग्रुप के, तो इनके बीच में लड़ाइयाँ झड़पें वगैरह होने लग गई। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इनको मजबूर इसी वजह से होना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे यूरोप से आकर बसने लग गए। और मैं एक बात बताऊं, जो बड़े बड़े अधिकारी थे ना उनका भी मानना था कि मूल निवासियों को उनकी जगह नहीं देनी चाहिए, मूल निवासियों से उनकी ज़मीन छीन लेनी चाहिए। अमेरिका के ना एक बड़े मुख्य न्यायाधीश ने, जॉन मार्शल ने, एक ऑर्डर भी दिया था जिसमें उन्होंने बोला था 1832 के अंदर कि इन लोगों को, ये जो लोग हैं ठीक है, इनको एक चेरोकी एक ट्राइब होती थी, समुदाय होता था, इन्होंने बोला कि इन ट्राइब के लोगों ने ना केस कर दिया था कोर्ट के अंदर। बट इनको इन्होंने फिर केस करने के बाद बेसिकली बोला भी कोर्ट ने कि इनको इनकी ज़मीनें लौटा दो, बट नहीं दी। उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे ना एंड्रू जैक्सन, उन्होंने मना कर दिया, तीसरे राष्ट्रपति थे बेसिकली, इन्होंने मना कर दिया कि कोई ज़मीन वमीन मत दो इनको, ये इनकी ज़मीन थोड़ी ना, ऐसे बोलना शुरू कर दिया और उनसे उनकी ज़मीन छीन ली। ठीक है, और इसमें बहुत सारे, और जब उनको उनकी जगह से हटाया गया ना, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो जब दूसरी जगह गए तो बहुत ही मरना शुरू हो गए थे वो लोग। ठीक है, लोग अपनी जाने इस प्रकार जाने के लिए मजबूर किए गए। 15,000 लोगों में से 1/4 से अधिक लोग जो हैं ट्रेल ऑफ टीयर्स के साथ मर गए। ट्रेल्स ऑफ टीयर का मतलब ये जो वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे ना, उसी में जाने में ही उनकी मृत्यु हो गई। 1/4 लोग, यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितने, 3,500 लोग, 3,250 लोग जो है वो सिर्फ इसी यात्रा में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उनको खिसकाया जा रहा था उसी यात्रा में मर गए। तो ये बहुत बुरा हुआ। ठीक है, बहुत बाद में जाके, बहुत ही बाद में जाके उनको जो है मूल निवासियों को, उसके बाद मूल निवासियों ने लड़ाई वगैरह करना शुरू कर दिया। ठीक है, विद्रोह वगैरह किया, विद्रोह वगैरह करने के बाद कहीं जाकर उनको अधिकार वगैरह मिले, और हमने देख लिया ऊपर अधिकार, ज़मीन खरीदने का अधिकार मिला था उन्हें ऊपर, हमने सबसे पहले क्वेश्चन यही देखा था। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी और ऑस्ट्रेलिया के प्रारंभिक
रूप में बसने वाले लोगों के बारे में बताइए। पहले तो मैं आपको बता दूं, जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी, उनको अब ऑरिजिन्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है इंग्लिश में? अब ऑरिजिन्स बोला जाता है। 40,000 साल पहले महाद्वीप में आना इन्होंने शुरू किया था, और न्यू गिनी से आए थे। मतलब ऑस्ट्रेलिया के पास एक छोटा सा आइलैंड है न्यू गिनी नाम का। तो माना जाता है 40,000 साल पहले ना न्यू गिनी से लोग जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया आकर बसना शुरू हुए थे। जो एक भूमि पिल पुल से बेसिकली एक पुल बना हुआ था जो कि ऑस्ट्रेलिया से जोड़ता था न्यू गिनी को, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट 350 से लेकर 750 मूल निवासी के समुदाय वगैरह रहते थे। सबकी अपनी अपनी भाषा थी, 200 से ज़्यादा भाषा बोली जाती थी उस समय, ओके। और उत्तर में रहने वाले जो स्वदेशी लोग थे का एक और बड़ा समूह है जिसे टोरेस स्टेट आइलैंडर्स कहा जाता है। मतलब बेसिकली हमारे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो सबसे बड़ी ट्राइब थी ना, सबसे बड़ी समुदाय के लोग थे, स्वदेशी लोग थे, मूल निवासी थे, उनको टोरेस स्टेट आइलैंडर्स कहा जाता है। याद रखना ये बात, ओके। इनके लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था, ठीक है। मतलब इनको यानी जो हमारे टॉरेस स्टेट आइलैंडर हैं, इनको मूल निवासी नहीं माना जाता था, क्योंकि माना जाता था यह है कहीं और से आए हैं, समझ रहे हो। जो न्यू गिनी के है ना, इनको तो कहा जाता था कि ये तो हाँ मूल निवासी है, क्योंकि बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के पास ही थे। बट है ना, ये जो हमारे टॉरेस स्टेट आइलैंडर है ना, इनको मूल निवासी नहीं माना जाता था, आदिवासी नहीं माना जाता था। पता है क्यों? क्योंकि माना जाता था ये कहीं और ही से आए हैं, ठीक है, समझ रहे हो। यही बात लिखी हुई है। कुल मिलाकर 2005 में ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या जो है वो 2.4% थे। ये 2005 नहीं, हो कुल मिलाकर वह 2005 में, अच्छा ओके, 2005 में सर्वे हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उससे पता चला कि हमारे जो टॉरेस स्टेट आइलैंडर है ना, वो सिर्फ 2.4% है पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया में, ओके। चलो, ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम आबादी वाला है, पता ही है आपको। चारों तरफ जो है वो रहने वाले, और बीच में उसका शुष्क रेगिस्तान है। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है वो खाली मैदान है, रेगिस्तान वाला, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यहाँ पर खोजकर्ता विलियम जॉन्स आए थे, 1606 में ऑस्ट्रेलिया पहुँचे थे, ठीक है। ए जे तस्मान आए थे, ओके। जॉर्ज के मार्ग, यानी इसी का विलियम जॉर्ज का जो मार्ग है, जॉन्स जॉन्स का जो मार्ग है वो अपनाया, और वो अनुसरण किया और न्यूजीलैंड पाया, ठीक है। मतलब बेसिकली मेरी बात समझ पा रहे हो ना, ये बता रखा है कि ये जो पर्सन है विलियम जॉन्स, जिसको जॉर्ज लिखना, विलियम जॉर्ज, ये पहले पहुंचा था ऑस्ट्रेलिया 1606 में। उसके बाद है ना एक बंदा था जिसका नाम था ए जे तस्मान, ये भी ऐसे ढूंढने निकल गया और उसको ऑस्ट्रेलिया मिला, ठीक है। तस्मेनियाई द्वीपों का नाम उन्हीं के नाम पे पड़ा है। तो बेसिकली हमारे न्यूजीलैंड के अंदर तस्मेनियाई द्वीप है, उसका नाम भी इसी बंदे के नाम पे पड़ा है, ए जे तस्मान के नाम पे, ठीक है, ओके। और जो हमारे ब्रिटिश खोजकर्ता है जिनका नाम है जेम्स कुक, अभी हमने ऊपर देखा था ना। अच्छा, जेम्स कुक के बारे में एक बात बताता हूँ। जेम्स कुक को है ना मार दिया गया था, ये है ना हवाई गया था, ये कमांडर था, और हवाई के अंदर ये बेसिकली मूल निवासियों ने इसको मार दिया था। थोड़ा कुछ कर रहा होगा कुछ, हमारा जेम्स कुक, उसको मार दिया गया था। और कहानी ये फैलाई गई कि है ना इसको ऑस्ट्रेलिया में मारा गया, बट ऑस्ट्रेलिया में नहीं, इसको हवाई में मारा गया था जेम्स कुक को। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। तो ये बता रखा, मैं बॉटनी खाड़ी द्वीप पर पहुंचे और इसका नाम जो है न्यू साउथ वेल्स रखा। किसने? जिम कुक ने। ब्रिटिश का हिस्सा था जब कुक एक मूल निवासी, अच्छा बेसिकली बता रखा है कि जो न्यू साउथ वेल्स है ना, वो पहले ब्रिटिश का हिस्सा था, जिस टाइम जो है जो क्या कहते हैं हमारा जेम्स कुक है, ठीक है, जो जेम्स कुक या जॉन कुक था ना, एक सेकेंड, जेम्स कुक था, जेम्स कुक के एक मूल निवासी ने मारा था, ये बात तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। और ये वो लिखा हुआ है कि बेसिकली, अब ये तो हमें समझ आ गया हमारे मूल निवासियों के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अब ये बताओ यूरोपीय लोग हमारे कैसे पहुंचे ऑस्ट्रेलिया में? चलो मैं बताता हूँ। बेसिकली यूरोप में है ना जो अपराधी लोग होते थे ना, अच्छा मैं आपको बात बताऊँ, मैं आपको जो बोलूँगा ना सुन के थोड़ा अजीब लगेगा। ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं ना, जो मूल निवासी नहीं है, उसके अलावा जो भी लोग हैं ना, वो या तो क्रिमिनल है या क्रिमिनल की फैमिली के ही मेंबर्स हैं। आप बोलोगे सर ऐसी, ये तो गलत है, ये तो आपने तो पूरे कॉन्टिनेंट को ही बोल दिया क्रिमिनल है। मैं सही बोल रहा हूँ, मैं बताता हूँ क्यों। बात पता है क्या थी? यूरोप के अंदर एक पॉलिसी लाई गई और यूरोप में बोला गया कि जो अपराधी लोग हैं ना इंग्लैंड के अंदर खासकर, उनको बोला गया कि आपके पास दो चॉइस है, या तो आप जेल में रह लो इंग्लैंड में, या हम आपको एक दूसरे एरिया में छोड़ देंगे जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर खुला हांड हो, जो करना है करो। तो मैक्सिमम लोगों ने वहाँ पर, यहाँ पर आकर
रहना शुरू कर दिया। उनके पास कोई विकल्प नहीं था, उन्होंने खेती वगैरह भी करी और मूल निवासियों को उनकी ज़मीन से निकाल कर वहाँ खुद रहने लग गए। ठीक है, गुलामी वगैरह भी करवाई इन्होंने कहीं ना कहीं। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद हमने देखा कि थोड़े बहुत बदलाव भी आए हमारे ऑस्ट्रेलिया के अंदर बाद में। 1974 से पहले तो किसी नॉन जो गैर वाइट होता था ना, ये जो क्योंकि ब्रिटेन से आए थे सारे लोग तो गोरे ही थे, ये जो यूरोपीय लोग जो ब्रिटेन से आए थे ना तो पसंद नहीं करते थे ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को, और ना ही अश्वेत लोगों को। जो चाइनीज़ पहले क्या करते थे, चाइनीज़ को भी वो बुलाया था यहाँ पर काम करने के लिए, उनको भी बेसिकली हटा निकाल दिया गया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर से। ओके, विभिन्न कवि और लेखक मूल निवासियों के बारे में क्या सोचते थे? तो एक पर्सन है जिनका नाम है जीन जैक्स रोज़्यू, रूसो भी बोला जाता है इनको। इनका मानना था कि ये लोग जो है ना मूल निवासी, वो बहुत ही सभ्य हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार और से बहुत दूर है, अछूत है, मतलब इनको ये बढ़िया लोग हैं। और विलियम जो वर्ड्सवर्थ है, ये कवि थे, इनका मानना था कि फैंस का अनुग्रह सने उन्हें ऊंचा उठाने के प्रति और थोड़ी स्वतंत्रता के रूप में वर्णित है, जिसका अर्थ है कि प्राकृतिक से करीब रहने वाले लोग के पास केवल कल्पना की भावना किसी अच्छा। बेसिकली ये मानता था जो विलियम वैड्सवर्थ था, वर्ड्सवर्थ था, ये मानता था कि इनकी है ना जो इच्छा शक्ति होती है, कल्पना होती है, क्योंकि ये प्राकृतिक के ज़्यादा पास रहते हैं तो इनकी कल्पना शक्ति कम है, मतलब ये ज़्यादा सोच नहीं समझते। पर ये जेफरसन तो ये तो बिल्कुल ही ये बोलता था कि मूल निवासी तो असभ्य हैं, मतलब खुद उनके जगह पे जा रहा है, उनकी ज़मीनें छीन रहा है और उन्हीं को असभ्य बोल रहा है। ठीक है, आई होप ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको समझ आ गए हों क्वेश्चन। इसकी PDF का लिंक मैंने जैसे बताया नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना, और यहाँ पर आ जाना, इसके MCQ वगैरह भी हम करेंगे। ठीक है, चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।